iVoomi i1 एंड i1s बजट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है डुअल कैमरा एंड 5.5 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, और साथ में आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी। गाइज, आज हम बात करेंगे इस डिवाइस के कुछ यूज़फुल फीचर्स के बारे में। हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ इमरान एंड यू वॉचिंग आईफोन अनबॉक्स। i1 एंड i1s के साथ जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर मिलता है हमें बहुत ही बेसिक है। इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं मिलते, बट आप अगर अपना वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बिल्कुल स्टाइल के साथ। दो फिंगर्स से स्वाइप अप या डाउन करके क्विकली आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। ये फीचर इनेबल करने के लिए आपको जाना है मेन सेटिंग्स में। यहाँ आपको जेस्चर सेटिंग्स दिखेगा डिवाइस कैटेगरी में, और यहाँ आप देख सकते हो टॉप में टू फिंगर्स चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन। गाइज, i1 या i1s में साउंड की क्वालिटी जो है स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, लाउड है, बट बहुत लाउड नहीं। मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू में इसके बारे में बताया था, बट अगर आपको थोड़ा सा और लाउड आउटपुट चाहिए तो ये आप अपने डिवाइस में हासिल कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसके लिए सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है साउंड सेटिंग्स में, और साउंड सेटिंग में आपको बिल्कुल नीचे दिखेगा साउंड इन्हेंसमेंट का ऑप्शन। आप इस पर टैप करके अपने साउंड को बूस्ट कर सकते हैं। गाइस, किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में नोटिफिकेशन चेक करने के लिए या फिर क्विक टॉगल्स को क्विकली ओपन करने के लिए आपको अपने स्टेटस बार को स्वाइप डाउन करना पड़ता है, बट अगर आप इसको और भी क्विक करना चाहते हैं तो ये i1 में पॉसिबल है। आपको जाना है सिंपली मेन सेटिंग्स में, वहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा नेविगेशन बार का। यहाँ आपको नेविगेशन बार के कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तीसरा या चौथा ऑप्शन में आप देख सकते हो आपको क्विक टॉगल का ऑप्शन दिखेगा। गाइज, i1 में एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जेस्चर मोशन का। ये आपको सेटिंग्स में ये भी ऑप्शन मिल जाएगा, और जेस्चर मोशन में आप अपने हाथों को वेव करके बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने गैलरी ऐप पे एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर पे स्किप कर सकते हो सिर्फ हाथों को वेव करके, यानी आपको नेक्स्ट पिक्चर चेक करने के लिए स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक वेव। उसके अलावा गाइज, आप इसको कई और ऐप्स में भी यूज़ कर सकते हो। ये सेम फीचर आप अपने म्यूज़िक ऐप एंड FM में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक म्यूज़िक से दूसरे म्यूज़िक या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए आपको अपने स्क्रीन पे टैप करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट अपने हाथों को अपने स्क्रीन के ऊपर से वेव कीजिए और आपका चैनल या फिर म्यूज़िक चेंज हो जाएगा। गाइज, ये सेम फीचर आप अपने डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में भी यूज़ कर सकते हो, यानी एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक वेव करने की ज़रूरत है। गाइज, जेस्चर सेटिंग्स में तीसरा कैटेगरी है स्मार्ट मोशन का, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, और जो हम दूसरे डिवाइस में भी देखते हैं, तो अच्छी बात ये है कि 6000 के डिवाइस में भी ये हमें मिलता है। और पहला फीचर है गाइज एक्शन अनलॉक का, यानी यहाँ भी अपने हाथों को वेव करके आप अपने स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं, बट याद रहे जेस्चर पिन या फिंगरप्रिंट के साथ ये काम नहीं। सेकेंड फीचर यहाँ मिलेगा आपको स्मार्ट आंसर का, यानी जैसे ही आपको कोई कॉल आए आपको सिंपली अपने स्मार्टफोन को अपने कानों तक ले जाना है, कॉल ऑटो रिसीव हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आंसर बाय स्विंग, यानी सिंपली अपने फ़ोन को स्विंग करना है और कॉल रिसीव हो जाएगा। फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन जो है, चौथा फीचर काफ़ी यूज़फुल है और मेरा इस सेगमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे फेवरेट फीचर है। अगर आपको कोई कॉल आता है और उस वक्त आपने अपने डिवाइस में अपना हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको अपने हेडफोन यूज़ करके कॉल रिसीव करना पड़ेगा, बट इस फीचर के द्वारा आप अपने फ़ोन को अपने कानों तक ले जाइए, हैंड फ्री मोड से आपका नॉर्मल मोड में फ़ोन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिफ्थ फीचर है स्मार्ट कॉल, यानी आप अपने कॉन्टैक्ट पे कोई भी नंबर ओपन करते हैं उसको डायल करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने डिवाइस को अपने कानों तक ले जाइए, कॉल ऑटो डायल हो जाएगा। गाइज, फ्लिप
टू म्यूट, ये फीचर भी आपको एंड में दिखेगा 6th नंबर ऑप्शन में, और इसको भी आप टिक कर दो। ये भी यूजफुल फीचर है जब आप किसी मीटिंग में हो, क्लास में हो, बिजी हो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और गाइज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।